मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के तेवर इन दिनों जरा बदले हुए ही नजर आ रहे हैं। वो दमोह उपचुनाव में मिली जीत का असर है, जो उनके हाव भाव बदले हुए हैं ये कहा नहीं जा सकता। पर यह तय है कि उनमें जो बदलाव आया है वो न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है, जिसकी शुरुआत हुई कोरोना पर उनके बयान से, जिसमें उन्होंने कोरोना के वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहा और उसके बाद बवाल मचा। न सिर्फ प्रदेश के लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी उनका ये बयान सुर्खियां बटोरता रहा। इसके बाद तो जैसे कमलनाथ ने बयानों की झड़ी लगा दी। प्रदेश सरकार पर कोरोना के आंकड़े छुपाने का आरोप, फिर हनी ट्रैप की पेन ड्राइव होने का दावा और फिर भारत महान नहीं भारत को बदनाम कहने का बयान, जिसने साबित कर दिया कि कमलनाथ इन दिनों बहुत फॉर्म में दिख रहे हैं। हर दूसरे दिन उनका एक ऐसा बयान सामने आ जाता है जो उन्हें चर्चा में बनाए रखता है और पूरी भाजपा उन पर पिल पड़ती है। अब तक 10 से 5 बजे तक की पॉलिटिक्स के लिए मशहूर रहे कमलनाथ ने इन दिनों भोपाल के बाहर आवाजाही बढ़ा दी है और जहां भी जाते हैं एक नया शगुफा छेड़कर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश भराते हैं। कमलनाथ की बढ़ती सक्रियता और पार्टी में लोगों में उनकी ग्राह्यता से कांग्रेस के वो नेता जरूर बेचैन हैं जो ये मान रहे थे कि 2023 के चुनाव के सारे सूत्र उनके हाथ में ही रहना है। बीजेपी तो कमलनाथ की बयानबाजियों से परेशान है ही। ऐसे नेता जो अब तक ये मान रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वो कमलनाथ वाला ओहदा हासिल कर सकते हैं, ऐसे कांग्रेसियों को भी कमलनाथ का ये नया फॉर्म इनसिक्योर तो कर ही रहा है।